नमस्कार साथियों, और सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेटा कैसे पे। देखिए, आपको जो है लास्ट टाइम जो है रिवीजन सीरीज चलाई जा रही है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। 26 और 27 को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण 4 दिन पहले जो आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, इनको आप जरूर देख के जाइए कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा, आपको ट्रिक जरूर काम आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन सभी कराते लेकिन ट्रिक्स अगर आपको याद रहें तो आपका आसानी हो जाएगा। देखिए, संज्ञा का ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है, संज्ञा से, सर्वनाम से, तद्भव तत्सम से, ठीक है। क्रिया विशेषण भी हम आपको बताएंगे, विकारी अविकारी, अव्यय निपात, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, इसकी ट्रिक क्या है, देखिए संज्ञा अगर आपको पता है ये नाउन होता है, ठीक है, विकारी शब्द है ये, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं अब आपको हम विकारी अविकारी जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ठीक है। संज्ञा विकारी है फिलहाल, आपसे ये जान आप ये ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान का, भाव का, वस्तु का बोध, इन सब का जब बोध होगा तो वो संज्ञा आता है। जैसे आप सभी जानते हैं एवरीथिंग नोन इज नाउन, ठीक है। तो इसके 5 भेद होते हैं संज्ञा के, याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन कौन से, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अब इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें देखिए क्या होता है, जातिवाचक केवल यही नहीं, देखिए वस्तुओं का भी बोध होगा, व्यक्तियों का भी बोध होगा, ठीक है। अब मानव है, पर्वत है, नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। मानव कहने पर संसार के सभी, मानव जाति का, पर्वत कहने पर संसार के सभी, तो जितने एक ही प्रकार के लोगों की प्रवृत्ति का जो बोध करा दे। जैसे अगर आपसे जानवर पूछ कहा जा रहा है तो कोई अगर जानवर होगा तो वो सभी जानवरों का बोध करा रहा है, तो इसका मतलब वो जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है, ना कि किसी व्यक्तिवाचक को समूह में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट है नदियों के नाम, जैसे वैसे व्यवसाय है, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो ये आप क्या हैं, एक आप पूरे समूह का बोध करा रहे हो, ठीक है, पूरे व्यक्तियों वस्तुओं का बोध करा रहे हो, तो आप डॉक्टर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे अध्यापक है, कोई संबंध है, पद है, ठीक है, माता पिता हैं, आपको कोई उपाधि मिली हुई है, जैसे जिलाधिकारी है, राष्ट्रपति हैं, बुनकर हैं, भंगी इत्यादि जो है संज्ञा ही होंगे। पशु पक्षियों के नाम संज्ञा होते हैं, आपका जो फर्नीचर होता है, पुस्तक होती है, ये सब संज्ञा होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे, प्राकृतिक तूफान आएगा, तो ये सब संज्ञावाचक जातिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, इसलिए हम आपको जातिवाचक संज्ञा बता रहे हैं। क्योंकि व्यक्तिवाचक तो आपको पता है, पर्टिकुलर नेम होता है, समूह भी आपको पता है जब समूह में आएगा, ठीक है। अब जब भाववाचक क्या है, भाववाचक इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। द्रव्यवाचक में तो आपको पता है, द्रव्यवाचक में क्या रहता है, द्रव्यवाचक में आपकी सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है जो आपके द्रव्य के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, तो आप द्रव्यवाचक संज्ञा आराम से आप बता सकते हैं। दिक्कत आपको कहाँ पे पड़ेगी, भाववाचक संज्ञा में, कि भाववाचक संज्ञा इतनी आसान नहीं होती जितनी लगती है लोगों को, ठीक है, इसलिए भाववाचक से ही आपका क्वेश्चन बनता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। अब भाववाचक संज्ञा हम आपको बताने जा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा देखिए, इसमें आपके कई प्रकार से बनती भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से भी बनती है, विशेष से भी बनती है, प्रत्यय लगा के भी बनती है, ठीक है, सर्वनाम लगा के, क्रिया लगा के, अव्यय लगा के, सब लगा के ये बनती है, ठीक है। द्रव्यवाचक में आपका क्या आएगा, जो द्रव्य में होते हैं, जैसे दूध है, पानी है, ठीक है, लोहा है, अनाज है, ये तो जो द्रव्य में आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा आप कैसे बताएंगे। जातिवाचक से अगर आपसे कहा जाए तो देखिए, आपको संज्ञा दे दी गई वीर, अब वीर कैसे जाति है ये बताइए। वीर ऐसे जाते हैं क्योंकि जब वीर की बात आएगी तो जितने समाज के या संसार के वीर पुरुष होंगे उनके सभी का वो उसमें जाति आ जाएगा। तो वीर का क्या बनता है, वीर से आपको कौन सा भाव आएगा, वीरता का, गुरु से गुरुत्व का भाव आएगा, ठीक है। अब जैसे बूढ़ा है तो बूढ़ा से बुढ़ापा का भाव आएगा, ठीक है, मनुष्य से मनुष्यत्व का, शत्रु से शत्रुता का भाव आपका आएगा। अब विशेषण क्या होते हैं, जैसे कुछ विशेषता होती है, विशेषण आपको पता ही है, तो बुद्धिमान का क्या करेंगे, बुद्धिमान का बुद्धिमता, शिष्ट का शिष्टता से, गर्म है कोई चीज़ तो विशेषण है उसका, तो उसे क्या बनेगा, गर्मी बनेगा, कठोर का कठोरता बनेगा, मीठा का मिठास बनेगा, इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है। अब सर्वनाम में जैसे आपका अपना है तो अपनापन, अपनत्व, निज है तो निजत्व। अब क्रिया में कैसे आएगा, जैसे आपसे कोई कहते घबराना, बहुत घबरा रहे हैं आप, तो घबराने से घबराहट बनेगी, सजना से सजाना से सजावट बनेगी, चढ़ना से चढ़ाई बनेगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, जैसे दौड़ रहे हैं आप हैं तो दौड़ना से दौड़ बनेगा। अपव्यय क्या होते हैं, अपव्यय जो आपका बनता है, जैसे कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मर, तो मर आपको किसी में भी नहीं आ रहा, तो मर का क्या बनाएंगे आप, मार, पढ़ाई, लिख लिखाई, भिड़ भिड़ंत, तो ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं भाववाचक संज्ञा।
इसलिए इम्पॉर्टेंट था, आपको 2 मिनट के भीतर हमने बता दिया भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का जो है बोध कराता है, ठीक है। गुण का बोध होगा, इतना याद रखिएगा, गुण का बोध होगा भाववाचक संज्ञा में, वहाँ आपकी क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। पानी की विशेषता क्या है, वो ठंडक शीतलता प्रदान करता है, तो भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तो सभी से धन्यवाद। इसको खूब सारा रिवीजन करिए, खूब सारा शेयर करिए।